और हाँ दूसर बात, आइंदा प्रतिष्ठा के मामले में हमरा के पीछे हटा के बाद अपना जुबान पे भी मत लिया। गलती हो गई, जा जाके टिकट बुक करा था। ठीक बा। हमरे वही को बात कही जी। कहो, तू कहबू तो कोनो रामायणीय बात कहबू नू। अरे वह जे समझे के बाद समझी, बाकी एगो बात याद कर ली। क्यों कहल जाला ना कि जब बाप के गोर के जूता बेटा के गोर में अट जाए ना, दोस्त समझे के चाही और बेटा के राय सुने के चाही और ओकरा राय पे अमल करे के चाही जी। तो का राय बा तहार बेटा के? शुभम के राय बा कि केस मुकदमा लड़ला से कोनो फायदा नहीं खे, आपन हाथ हटा ली मुकदमा के मलबा से। अरे तू और तहार बेटा, हम मुकदमा के मलबा से अपन हाथ हटा ली और अपना चेहरा पर बेइज्जती के काले पोत ली और अपन प्रतिष्ठा माटी में मिला दी। अरे जौन मुकदमा पर इतना बरस से हम पैसा पानी की तरह बहले बानी, वही मुकदमा से अपन पांव वापस खींच कर हम सूरजदेव सिंह के हंसे के मौका दी ना शुभम के माई इतना। अरे राजेश्वर सिंह जहां जालन अपन विजय के झंडा गाड़ के आवल, अपन बेटा से कह दा कि अपन ज्ञान अपना पास रखस, हमरा का करे के बा और का करे के नहीं खे ये बतावे के कोनो जरूरत नहीं खे। रहुआ आज ले कोनो बात हमनी के मान ली का कि आज मानब? अरे माने लायक कोनो बात हुई तब न मानी, बेवकूफी के बात बांध कर हम अपन जगहसाई कराई। तारा बेटा के न तो दुनिया के पहचान बा, न दुनियादारी के ज्ञान, न दोस्त के परख बा, न दुश्मन की। कह दे एकरा से कि वे करस जो इनका हद में बा। लड़का एकदम पगला गेल, कबो कबो तो हमरा एक रंग ढंग देख के शक होके लागेला कि हमार पैदाइश भी बाकी ना। बस बहुत फालतू बोल दे दी। और जे आदमी दुनिया के अपन गोड़ के नीचे दबा के रखेला, ओकर लड़का अगर ऐसा कायरतापूर्ण बात कही तो आदमी का कही बताओ? ओकरे छल बल के दुनिया में जियल सरल नहीं, खास करके अगर जो स्वभाव बा ओकरा से कह कि अपन स्वभाव बदले, समझाओ ओकरा के। माई हमरा समझ में ना आवता कि दीदी हमरा आवे से काहे मना करत आ रही। ई खातिर कि ओकरे ससुराल वाले लोगन के मन में ई बात ना आवे कि एकर मायके के आदमी एक ना एक हमेशा यहाँ पड़ल रहेला। ज्यादा आवे जाए से भी शिकायत होए लगेला बेटी, यही से मना कहीं। चाहे कोनो कतना मना करे, हम जाए तो जाए। माई तू हमरा टिकट मंगवा दिया भैया से कह के? ठीक बा, मंगवा दी। अभी तक सब्जी कटाता। आज खाना लेके नौटंकी पसारा था नहीं। भूख दबा की बार ना खाना मांग के देखा था नहीं। महारानी जी खाना तो बना ले ना उखियन। बस और मिल जाए झबलावे के एक मौका। ठीक बाकित की चला मंच के ओर। बाप रे बाप, ये घर में तो लोग भूख से पटपटा के मर जाए। भूख के मारे अंतड़ी ऐठाता मंजन करके भोरे से बैठल बनी। अभी तक अन्नपूर्णा माई के दर्शन ना भइल। अरे लाजवंती,
महारानी जी गईली का? जी बुआ जी। ये बहु बेटी के लक्षण होला कि सवेरे सवेरे चल गली बिना खाना उना पकैले? अरे ये घर में औरो लोग का खाना उना खाई हैं सब? हाँ भला बतावा, ये औरत के तो जरी को चिंता नहीं के। ना बुआ जी, भौजी तो रसोई पानी कह के गेल बड़ी, हम तो टमाटर सलाद खातिर काटे तनी। का खाना बना के गईल बड़ी? हाँ बुआ जी, खाना तैयार बा, परोस के दे। हाँ हाँ, काहे ना परोस के लिए वो भोर के बनल ठंडा खाना? हम अबे गरम कर देते नी। का गरम करबू? अच्छा ठीक बा, जब हम मांगब तब ला के दिया। काहे हो भूख से अतड़ी अभी अठाता तो खाना अभी ना खाइबू तो पाछे काहे खाइबू? तरह के मालूम माना कि इनकरा से भूख बर्दाश्त ना होला, यही खातिर कौनो त्योहार में उपवास ना रखस, यहाँ तक कि सुहागिन के त्योहार तीज में भी उपवास ना रखस। राजवंती, इनकरा खाना परोस के दे दा। जी फूफा जी। एक मिनट रुका राजवंती। अरे खा ला, न तो अतरिया करेक हो जाई। हम कहली ना अभी ना खाई। काहे ना खाइबू? ढेर भूख लगला पर हम जब खाना खाई ले तो हमरा उल्टी हो जाला। तो कर द उल्टी, 20 बरस में आज पहली बार तहरा उल्टी देखे के सौभाग्य प्राप्त हुई। कम से कम देखी कि उल्टी कैसे करी। अब ढेर ताना गाभी ना मारी। ताना गाभी ना मारा तनी, खाली खाना खाए खातिर कहा तनी। कहनी ना हम अब हमरा के भूख नहीं खे, बस देर कुबेर हो गई। ना सुधरी। अरे ज्यादा हंसा मत, देख ली तो बवाल हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ओ आंचल, ऐशो ऐशो बैठो। थैंक यू सर। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। सर मैंने अपना ये आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है, आप जरा देख लेते। पूरा कर लिया? वेरी गुड वेरी गुड। राइटअप से लगता है कि तुम रिसर्च करके लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड। सर मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैं ऐसी बहुत सी औरतों से मिली जिन्हें दूसरी औरत बनने पर कोई झिझक या संकोच बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के नाम तो नहीं दिए ना? नो सर, मैंने किसी का भी नाम नहीं दिया। हाँ, मैं तो खामखा झमेला खड़ा हो जाता। क्या एक्सपीरियंस रहा बातचीत के दौरान? वेल सर, एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि हर पल मेरी धारणा बदलती रही है। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिन्हें अपने इस स्टेटस पर बहुत दुख है। समाज की छुपती हुई नज़रों का सामना करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ एक ऐसी औरतें भी हैं जो कि टोटली ऑपोजिट थी, उन्हें अपनी दूसरी औरत होने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खास करके एक लेडी, उसे अपने इस स्टेटस की कोई भी परवाह नहीं है सर, बल्कि वो तो ऐसा सोचती है कि दुनिया गलत है अगर वो दूसरी औरतों को गलत समझती है। वो तो ऐसा सोचती है कि दूसरी औरत का खिताब पाना प्रेम का, बल्कि सच्चे प्रेम का परिचायक है। उसकी नज़र में दूसरी औरत स्वाति की वो बूंद है जो पुरुष की तपती और सुखी धरती पर बरसती है और उसके जीवन की बगिया को फूलों से भर देती है। वेरी रिवॉल्यूशनरी लेडी एंड वेरी रिवॉल्यूशनरी अप्रोच। मैं उस औरत से मिलना चाहूंगा कभी। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी आपसे मिलाने की। एनीवेज, इसका मतलब तुम्हारा मन लग रहा है इसे लिखने में। यस सर, मैं जिंदगी को नए नए एंगल से देख रही हूँ और उसे समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। कीप इट अप, नेक्स्ट इशू की तैयारी में लग जाओ और कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। सर मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। फिर ठीक है, तो मैं चलूँ सर? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Very brilliant.
अरे बेटा जाता ना। हाँ माई। आई लव बेटा। ये का माई। आई लव कुछ रुपया अपने भिरी रखा हर भीतर जाता रहा का माई। सर हम वकील के पास जा रहा बनी जमीन वाला केस से कुछ पॉइंट डिस्कस करे के बाद तू चल बा। ना बाबूजी हमारा के वो काम से जाए के बाद। हाँ भाई तेरा पास घर के कामकाज खातिर समय कहाँ बा। तू तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो कर ला ऐश जितना ऐश करे के बाद जब तक हम जियत बनी ओकरा बाद दाल रोटी के भाव समझ में आ जाए याद रखियो। माई बाबूजी की अच्छी तरह से समझा दे कि वो हमारा से बाबू सूरज देव सिंह वाला केस के बारे में बिल्कुल बात मत करे कहीं बिना मतलब का हमारा परेशान कर लेना हमारा का तनिको अच्छा ना लगे। बेटा तोहरा के वकालत पढ़वलन तो बेटा से उम्मीद तो रही ना कि तोहरा से कोनो मदद मिले ऊंच नीच में अच्छा बुरा में तोहार साथ रहे बेटा। माई उनका झूठा शान वाला केस कलाई में हम बिल्कुल मदद ना कर सके। अरे वो जमीन से ना लेना एक ना देना तू खाली टेंशन देने खातिर केस लड़ रहा का करवा बेटा वो अपना आगे आज तक केकरो सुन लन ना सुनस उनका से कह दे कि वो हमारा सामने अपन राग मत तलाप है। भाई साहब एक मिनट का बात बड़ा खुश लगा था। अरे रघुआ सुनब तो रघुआ खुश हो जाए माधव पहली मत बुझावा साफ साफ बोला का बात। अभी हम उधर से आवत रहनी है तो रास्ते में देवाशीष जी मिल गईलन वही राउर दोस्त एडिटर साहब दुल्हन के बड़ी तारीफ करत रहन कहत रहलन कि जब से आंचल के आर्टिकल उनका अखबार में छपे लागल है उनका अखबार के बिक्री बहुत बढ़ गई है। का जी भाई साहब और एकर सारा क्रेडिट रउए के जाता कहे कि रउए जौहरी बनी जे ये हीरा के पहचान ले। ना माधव ऐसा कोनो बात नहीं किया हम कुछ नहीं कहले जरा किस्मत में जो लिखल रहेला ना वो होखेला सब देवी माँ का कृपा बा। भाई साहब जे कहें खानदान के नाम रोशन कर देलस अपन पतो। सच माधव दुल्हन के तारीफ सुन के माथा गर्व से ऊंचा हो जाला। भैया बुरा ना माना तो एक बात कहें तहार था एक के राग बा एक के डपली कहा सुन लिए भाई साहब। बोला भैया बहु घर के शोभा होवे ले ओकरा के बाहर भेजल काम करावल ई सब तोहरा के अच्छा लागत होई बाकी गांव समाज में ई सब बात ठीक ना समझल जाला। भाग्यवान ई गांव ना शहर है शहर कलकत्ता शहर मेट्रो तू का बुझबू। अरे जब 20 साल में ना बुझलू तो अब का बुझबू। अरे हम जे देखा तनी अजे बुझा तनी उ तू दोनों सार बनोई न समझा तड़ा न देखा तड़ा तोहनी के तो आंख में पर्दा पड़ गईल बा अरे मती मरा गईल बा तोहनी सबके अकिल मती पे पत्थर पड़ गईल बा। हमार बात माना नौकरी फोकरी छोड़वा के दुल्हन के घर में बैठा दा ना कित के हमार पतो नौकरी ना छोड़े कित की वह करिए जो उनका पसंद बा। ना बाऊजी हमार नौकरी कहिल अच्छा नहीं के लागत ता हम नौकरी छोड़ दे। ना दुल्हन तोरा के नौकरी छोड़े के कौनो जरूरत नहीं के नौकरी करे में कौनो बुराई नहीं के दुल्हन माना तनी बाबूजी पर नौकरी करे में कवनो बुराई ना होके के बाद भी एक बुराई बा का वो ई कि नौकरी करे से हम तक खुशबानी हमार नौकरी करे से रहुआ खुशबानी पर सब खुश नहीं खन सबके अच्छा नहीं खे लागत। और आदमी के उही काम करे के चाहे जेकरा में सबके खुशी मिली।
पर बाबूजी, जो ना काम से फुआ जी खुश नहीं की, वो काम हम काहे करी? बस ये हमार विचार पा, करो फैसला या सितना। और बाबूजी, आप हमार पूजनीय बानी, आपके इच्छा, आपकी आज्ञा हमरा खातिर सर्वोपरि बा। बस सीखा भाग्यवान, सीखा ई मासूम से सीखा। माधव, हमरा लागत बा हम पिछले जन्म में कोनो बड़ पुण्य कैले रहे, बहुत बड़ा। दुल्हन, दुल्हन। जी फूफा जी। का सोचत बाड़ू? कुछ ना सोचता नहीं फूफा जी। बेटा, सुख और दुख, खुशी और गम भगवान के बनावल उ भाव है जो छुपावे ना छुपे। कितनों पर्दा डाले की कोशिश करे पर तो पाए ना। और हम हूँ यही घर में रही ले, भगवान के दया से अभी तक आंख नाक कांक मुंह सब सही सलामत बा। और जीवन के का भरोसा, कब का करे, कवन रंग दिखाए, आदमी के हर समय इम्तिहान देवे खातिर तैयार रहे के चाहिए। फूफा जी, इम्तिहान देवे से हम कभू पीछे ना हटी। हम जानत नहीं और देखत भी बनी, पर अफसोस हम कुछ करत नहीं की तुहार खातिर। करत कैसे नहीं के फूफा जी, हमार मजबूत सहारा बनके हमार पीछे खड़ा बनी आप लोग। एकरा अलावा हमरा के का चाही? बड़लग के ता साया भी साथ रहे ता आदमी जीवन के बढ़ से बढ़ जंग जीत जाला। इता जिंदगी का छोट मोट जंग है, दो बर्तन के आपस के खनखनाहट है। बस शाबाश बेटा, यही सोच रखिया। कहे के जीवन में, जीवन के हर मोड़ पर अच्छाई के साथ बुराई मिले, बुराई के साथ अच्छाई। आदमी के उकरा से घबराए के ना चाहिए। बुराई की उम्र ज्यादा लंबा ना होला और ना ही उकरा असर ज्यादा देर तक होला। अपन विश्वास के कमजोर मत पड़े दिया। बुराई घुटना टेक दी तुहरा अच्छाई के सामने, एक दिन जरूर टेक दी। ये हमारा आशीर्वाद बा, तो हिम्मत मत हारिए। अरे भगवान के बनावल अंगुली जब एक बराबर निखे तो इंसान और इंसान के विचार एक बराबर कैसे हुए? ठीक कहता नीनू जी। अच्छा, अब तू आराम कर, हम चलते हैं।